हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं सुंदर सा तोरण डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है मैंने। बहुत ही सिंपल और सुंदर डिज़ाइन है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, इस तरह से मैंने पेटल्स और लीव्स बनाए हैं। अलग डिज़ाइन है, बहुत सुंदर दिखता है ये डिज़ाइन। आप चाहे तो अलग रंग के भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बना लेना है। इस तरह से आपको लीव और चार पेटल्स इस तरह से बना लेना है। मैंने यहाँ पे तीन ऑलरेडी बना लिया है। ये देखिए, हमारा लीव्स का पार्ट है जो हमने पेटल्स को यूज़ किया था, सेम हमें लीव को भी सेम प्रोसीजर से बना लेना है। तो मैं आपको पेटल बनाना दिखाती हूँ। हमको यहाँ पर वाइट वूल चाहिए। आप चाहे तो अलग रंग के बना सकते हैं। लिली लीव्स है। सबसे पहले हम लेंगे एक दो तीन चार, चार पाँच छः, छः चेन लेना है। छः चेन के बाद में जो फर्स्ट चेन बनाया था उसमें हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से आपको स्लिप स्टिच बना लेना है। अब यहाँ पर हमें तीन चेन लेना है। तीन चेन लेकर डबल क्रोशेट लगा लेना है। टोटल हमारे डबल क्रोशेट 19 होंगे। तीन चेन काउंट टू 20, टोटल 20 बना लेना है। तीन चेन 19 डबल क्रोशेट, इस तरह से आपको इस रिंग में बना लेना है। कंप्लीट कर लीजिएगा, टोटल 19 डबल क्रोशेट बना लेना है। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने बना लिए हैं तीन चेन 19 डबल क्रोशेट, हो जाएंगे हमारे 20। इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ पर हमें जो तीन चेन बनाया था उसी में हमें एक स्लिप स्टिच लगा के राउंड को क्लोज कर लेना है। अब हमें सेंटर में इस तरह से आना है। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशेट लगा लेना है। यहाँ पर हमें तीन चेन बनाना है, सेम जगह पर एक डबल क्रोशेट लगा लेना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर एक डबल क्रोशेट, सेम जगह पे और एक डबल क्रोशेट। हमें हर राउंड में एक दो दो डबल क्रोशेट लगाना है। एक डबल क्रोशेट पे दो डबल क्रोशेट बनाना है। हमारे 920 के डबल क्रोशेट हो जाएंगे 40 डबल बनाना है हमें। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको बना लेना है। हर राउंड में हमें दो दो बनाना है। देखिए, इस तरह से दो दो हमें बढ़ाना है। देखिए, इस तरह से आपको दो दो बनाना है हर डबल क्रोशेट पे। आप भी इसे ज़रूर बना लीजिएगा। अब यहाँ पर तीन चेन लिए थे, वहीं पर हमें एक स्लिप स्टिच लगा के राउंड को क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पर हमें सेंटर में आना है। सेंटर में आके एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। फर्स्ट चेन में आपको स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में हमें एक स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को यहीं पर क्लोज करके एक चेन लेकर धागे को काट लेना है। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है तोरण, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपको धागे को बैक साइड में इस तरह से क्लोज कर लेना है। इस तरह से क्लोज करके बचे हुए धागे को हम काट देंगे इस तरह से। देखिए, हमारा एक पेटल्स हो गया है। इसी तरह आपने और तीन बना लेना है। मैंने ऑलरेडी तीन बना लिए हैं।
अभी हमें लीफ को सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे पेटल्स बनाए थे सेम प्रोसीजर हमें लीफ को भी फॉलो करना है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम आपको बना लाना है। टोटल हमें 3 बनाना है लीफ और पेटल्स हमें 4 बनाना है। सेम प्रोसीजर है लीव्स का। अब मैं आपको येलो पार्ट बनाना दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे येलो वूल चाहिए। यहाँ पर हमें धागे को इस तरह से लॉक कर लेना है। यहाँ पे चेन 2-3 टोटल हमें यहाँ पर 15 चेन बनाना है। 15 चेन बना लीजिएगा। 15 चेन बनाना है। 15 चेन बना के हमें नेक्स्ट डबल क्रोशेट नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच लगाना है। टोटल हमें 10 स्लिप स्टिच इस तरह से लगाना है। हमें हर एक चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लगाते हुए जाना है। टोटल हमें 10 इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेना है। 10 चेन में हमें 10 स्लिप स्टिच लगाते हुए डाउन साइड जाना है। इस तरह से आपको बना लेना है। अभी हमें बचे हुए 4 चेन में हमें स्लिप स्टिच लगाना है, सिंगल स्लिप स्टिच लगाना है। देखिए इस तरह से सूजन को हम डाल के डायरेक्ट एक ही में काटना है। ऊपर हमने 2 में काटे थे, अब यहाँ पर एक ही में हमें इस तरह से काटना है धागे को। 4 हमें इस तरह से बना लेना है। 4 चेन में हमें इस तरह से बना लेना है, एक ही में हमें बाहर करना है। अब यहाँ पर मुझे एक चेन लेकर धागे को काट लेंगे। यहाँ पर अब ये दोनों धागों को हम इस तरह से गांठ मार लेंगे। इस तरह से आपको बना लेना है। बचे हुए धागे को हम कट कर देंगे यहाँ पर। अब ये हमें सेंटर में लेना है। सेंटर में हमें देखिए इस तरह से आपको सेंटर में लेना है। यहाँ पर मैं फोल्ड कर दूँगी येलो पार्ट जो मैंने बनाया था। ऊपर से मैं थोड़ा इसे फोल्ड करके इस तरह से लगाऊँगी। अभी मुझे वाइट पार्ट को इस तरह से हाफ शेप में फोल्ड कर लेना है। मैं आपको सिलाना दिखाऊंगी। तीनों येलो वाइट पार्ट हमें पकड़ के सिलाना है ताकि वो ही लेना। इस तरह से आपको सिला लेना है। धागे को इस तरह जोड़कर आपको सुई और धागे की मदद से इस तरह आपको स्टिच कर लेना है। स्टिच कर लेना है इस तरह से। आप भी सेम वीडियो देखकर बना लीजिएगा। इस तरह से आपको स्टिच करके लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। बैक साइड लेकर जाके धागे को काट देंगे इस तरह से। देखिए हमारा अभी मैं आपको ऊपर स्टेम बनाना दिखाऊंगी। धागर पेटल्स के ऊपर के जो ग्रीन पार्ट है मैं आपको बनाना दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे यहाँ पर धागे को इस तरह से लॉक कर लेना है। अभी यहाँ पर मुझे सेंटर पार्ट में लास्ट एंड को हमें धागे को जोड़ लेना है। इस तरह से आपको धागे को जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ लेना है आपको भी। अब यहाँ पर मुझे चेन लेना है। टोटल हमें 15 चेन लेना है। यहाँ पर भी टोटल हमें 15 चेन बनाना है। इस तरह से आपको 15 चेन बना लेना है। 15 चेन बनाना है। अभी 14वां चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लगाना है। एक स्लिप स्टिच, 2 स्लिप स्टिच, 3 स्लिप स्टिच,
स्लिप स्टिच लगाना है। अभी यहाँ पर मुझे यहाँ फिर से स्लिप स्टिच लगाना है, वो भी हाफ, जो मैंने येलो पार्ट में बताया था हाफ स्लिप स्टिच वैसे बनाना है। सीधा हम एक में ही काटेंगे, दो में नहीं। इस तरह से आपको हाफ स्लिप स्टिच बनाना है। बचे हुए पूरे चेन में आपको हाफ स्लिप स्टिच बनाते हुए जाना है। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक चेन लेकर धागे को काट लेना है। बचे हुए धागे और जो मैंने स्टार्टिंग को धागा लिया था ज्वाइन करने को, वो दोनों को हमें इस तरह से गांठ मार लेना है। इस तरह से गांठी मार के हमें बचे हुए धागे को अंदर खींच लेना है ताकि वो बाहर ना दिखे। इस तरह से आपको बना लेना है। अंदर के साइड हमें लेना है इस तरह से। देखिए हमारे चार पेटल्स हो गए। जो येलो पार्ट है वहाँ पे मैंने बैक साइड से इस तरह से स्टिच कर लिया है ताकि वो ही लेना। इस तरह से आपको भी सुई और धागे की मदद से इसे स्टिच कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर लीव्स जोड़ना दिखाऊंगी। लीव्स हमारा सेम ही होगा प्रोसीजर जो हमने पेटल्स को यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर लीव के लिए अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो फिर आप सेम जो मैंने वाइट पार्ट में किया था वही आपको ग्रीन पार्ट में कर लेना है। अब यहाँ पर मुझे सिलाई कर लेना है। पहले मैंने दो लीव्स लिए, इस तरह से आपको स्टिच करना है। दो लीव्स लेकर आपको पहले दोनों को सिलाई कर लेना है। दो लीव्स लेकर आपको सिलाई कर लेना है इस तरह से। मैं थर्ड लीफ को लूँगी। थर्ड लीफ को लेकर आपको उसे भी सिलाई कर लेना है। इस तरह से आपको सिलाई कर लेना है थर्ड लीफ को भी। तीनों को हम अच्छे तरह से सिलाई कर लेंगे ताकि वो ही लेना और खुले ना। अच्छे से आपको गांठ मार लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी बहुत बहुत से अच्छे अच्छे तोरण डिज़ाइन मैंने डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कंप्लीट वीडियो दिखा रही हूँ मैं स्टिच कैसे करना है। देखिए इस तरह आपको बना लेना है। मैंने यहाँ पर लीव्स पेटल्स लेना है, एक एक करके हमें इसे धागे में परो लेना है। इस तरह से परो लेना है आपको भी।
फ्रंट साइड में हमें इस तरह से पुरो लेना है। देखिए इस तरह से आपको पुरो लेना है, चारों को मिला के हमें यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेना है। लीफ के साथ हमें इसे सुई और धागे की मदद से इस तरह से अच्छे से जोड़ लेना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा तोरण आपको कैसे लगा है। इस तरह से आपको बैक साइड में आके धागे को अच्छे से जोड़ के लेना है। यहाँ पर आपको धागे को काट लेना है। देखिए हमारा पेटल्स रेडी हो गए हैं। इस तरह आपको सेंटर में एक एक गांठ मार लेना है, इस तरह से जोड़ लेना है ताकि वो स्ट्रेट रुक सके, हिले ना, इसलिए आपको सेंटर में इस तरह से स्टिच कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया है, ये देखिए इस तरह आपको स्टिच कर लेना है सेंटर में, हर पेटल के सेंटर सेंटर में आपको स्टिच करना है। वो फ्लावर बनाना दिखाऊंगी यहाँ पर, इसके लिए मुझे मैजिक सर्कल चाहिए। मैजिक सर्कल बना लीजिएगा। यहाँ पर मुझे तीन चेन लेना है, दो तीन, तीन चेन और पफ लेना है। यहाँ पर फोर टाइम हमें इस तरह से लूप में डाल के फोर टाइम हमें इस तरह पफ बना लेना है। फिर से हमें तीन चेन लेकर, फिर से तीन चेन लेकर हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर से तीन चेन लेंगे, नेक्स्ट पफ बनाएंगे, दो तीन चार, अच्छा सब में काट के हमें इस तरह से चेन लेकर पेटल को क्लोज कर लेना है स्लिप स्टिच लगा के। फिर से हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। टोटल हमारे पांच पफ आएंगे, ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेना है आपको भी। देखिए इस तरह आपको बीट्स लगाकर बांध लेना है, इस तरह से आपको जोड़ना है पेटल्स सब जोड़ के। जो नेक्स्ट पेटल है इसके जो यहाँ पे मैंने सेंटर में जोड़ लिए हैं, इस तरह आपको जोड़ लेना है सब पेटल्स को। इसी तरह आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बेल्ट बनाना दिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल बेल्ट है। चलिए शुरू करते हैं बेल्ट बनाना। सबसे पहले हमें चेन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तीन चेन एक्स्ट्रा लेना है, वन टू थ्री, टेन चेन में हमें एक डबल क्रोशेट लगाना है। इसी तरह आपको हर एक चेन में डबल क्रोशेट लगाते हुए जाना है। हमारे डबल क्रोशेट होने चाहिए लेवल लेवल, डबल क्रोशेट होने चाहिए। टोटल 11 डबल क्रोशेट बना लीजिएगा। फिर से सेम हमें और एक बार बना लेना है डबल क्रोशेट।
दो तीन, तीन चेन लेकर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है। इस तरह आप कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मुझे एक दो तीन, तीन चेन लेकर डबल क्रोशेट बनाना है। एक दो तीन, तीन डबल क्रोशेट बना लिए। अब यहाँ पर हमें पैटर्न बनाना है, पफ बनाना है उस जगह पे, पफ बना लेना है। धागे को थोड़ा हमें खींचना है ऊपर की ओर। अब जो तीन डबल क्रोशेट बनाए थे उसी में हमें पफ बनाना है। देखिए इस तरह से, और एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़े धागे को खींच के हमें जो तीन डबल क्रोशेट थे उस पे हमें पफ बना लेना है। देखिए इस तरह से आप तीनों डबल क्रोशेट के ऊपर पफ बना लेना है। टोटल हमें पांच बार बनाना है, पांच बार हमें पफ बनाना है। अभी हमें नेक्स्ट डबल क्रोशेट पे एक स्लिप स्टिच लगाना है। नेक्स्ट स्लिप स्टिच लगा के धागे को हम पांचों इसमें से पफ में से इस तरह काटना है। देखिए इस तरह से आपको बाहर लेना है। अभी यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा के नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट लगाना है। डबल क्रोशेट लगा लिए, बाकी बचे हुए फिर से हमें सेम और एक बार बना लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे एक डबल क्रोशेट, दो डबल क्रोशेट, तीन डबल क्रोशेट, टोटल मुझे तीन डबल क्रोशेट बनाना है। अभी सेम हमें तीन डबल क्रोशेट के ऊपर पफ बनाना है। थोड़ा हम धागे को ऊपर लेंगे, ऊपर लेके इस पे से हम पफ बनाएंगे। इस तरह से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन। एक बार आप जान जाएंगे तो आप बनाने में आसानी होगी। इस तरह आपको बना लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक स्लिप स्टिच लगाना है। स्लिप स्टिच लगा के धागे को हम पूरे पफ में से काटेंगे इस तरह से। फिर स्लिप स्टिच लगा के आगे के डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक डबल क्रोशेट बना लिए, ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। अब एक डबल क्रोशेट हमें यहाँ पर बनाना है, फुल डबल क्रोशेट बनाना है। यहाँ पर दो डबल क्रोशेट हो गए, तीन डबल क्रोशेट। यहाँ पर भी हमें लेवल डबल क्रोशेट चाहिए। तरह से आपको बना लेना है डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाना है। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इस तरह से आपको टोटल लेवल डबल क्रोशेट बनाना है। आखिरी का एक डबल क्रोशेट देखिए इस तरह से होगा। अभी हमें पफ बनाना है इस राउंड में। तीन चेन लेकर तीन डबल क्रोशेट लेना है आगे।
अब यहाँ पर हमें सेम जो मैंने पहले बताया था आपको, तीनों डबल क्रोशेट के ऊपर पफ इस तरह से आपको बना लेना है पफ। अभी नेक्स्ट डबल क्रोशेट पे हमें एक स्लिप स्टिच लगा के धागे को पफ में से हम काट लेना है इस तरह से। एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट डबल क्रोशेट पे हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है। भी आ गया हमें डबल क्रोशेट पे पफ बनाना है। सेम प्रोसीजर है आपको फॉलो करना है। सेम बनाना है जो मैंने पहले दिखाया था आपको। स्लिप स्टिच लगा के आखिरी के एक डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। आपको जितना लंबा चाहिए उतना बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डोर साइज। देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। मैंने ऑलरेडी बना लिया है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको भी बना लेना है, इस तरह से आपको बनाना है। एक पफ बीच में हमें फुल एक डबल क्रोशेट लेना है, एक पफ बीच में फुल डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर दिखाती हूँ, यानी मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पर। यहाँ से मैंने चार चेन लेकर जहाँ पर पफ है वहीं पे मैंने स्लिप स्टिच लगाए हैं। नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है वो पार्ट मैंने छोड़ा है, फिर से यहाँ पर चार चेन लेकर यहाँ पर मैंने एक स्लिप स्टिच लगाया है। इसी तरह आपको पूरे बेल्ट को बना लेना है। और मैंने यहाँ पर लीफ को इस तरह से जोड़ लिया है। सेम बनाना है आपको, चार चार चेन लेकर आपको जोड़ लेना है। मिडिल मैंने चेन बनाया है, बैक साइड से आपको इस तरह चेन बना लेना है। इस तरह से बना लेना है चेन। मैं बनाना दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने बैक साइड में लेना है धागे को। आप चाहे तो भी बना सकते हैं या ना चाहे तो भी रह सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बनाना ही है। बोल के थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे इसलिए मैंने यहाँ पर चेन को ऐड किया है। ये देखिए बैक साइड से मैंने धागे को काट लिया। फ्रंट में हमें इस तरह से सूजन को डाल के बैक साइड से हमें यहाँ पे इस तरह से चेन को बाहर लेकर आना है। देखिए डबल क्रोशेट की जो सेंटर के डबल क्रोशेट है वहीं पे हमें चेन को डालना है। ये देखिए इस तरह से आपको बनाने बहुत इजी है बनाना है। देखिए इस तरह से आपको बनाना है। बैक साइड से ही हमें धागे को ऊपर लेना है। बहुत ही आसान है बनाना, आप भी बना लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, इस तरह से आपको बना लेना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर ज्वाइन करना बताती हूँ आपको। देखिए मिडल के जो है ना लिप्स कुछ हमें इस तरह से सुई धागे की मदद से जोड़ लेना है। और यहाँ पर पेटल को उस पेटल के साथ अटैच कर लेना है। और यहाँ ऊपर जो पेटल है हमको यहाँ पर सिलाई कर लेना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बनाया हुआ दिखाया है। आपको इस तरह से सिलाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह आप बना लीजिएगा, बहुत ही सुंदर दिखता है ये डिज़ाइन। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत ही सुंदर आसान तरीके से मैंने दिखाया है इसी तरह से। चलो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी मैं। थैंक यू फ्रेंड्स।